हाय, आज पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ रसायन सो सरफेस केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन में किन का अध्ययन करते हैं? पदार्थ की सतह पर होने वाले विभिन्न परिघटनाओं का इस रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठीय घटनाएं कौन कौन सी होती है? पृष्ठीय घटनाएं, पृष्ठीय घटना क्या होता है? कोई भी पदार्थ उसकी सतह पर दूसरा पदार्थ आकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय घटना। अब आती है पदार्थों पृष्ठीय घटनाएं होती क्यों? पदार्थों में पृष्ठीय घटनाएं क्यों होती है? इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान में कण अंदर भी होते हैं स्थूल में और पृष्ठ यानी सतह पर भी होते हैं। ये सतह पर है और ये स्थूल में। स्थूल में जो कण है उसके चारों दिशाओं से बल लगता है, तो यहाँ पर क्या है? बल संतुलित है। इसको बोलते संतुलित बल लगता है। मगर जो पृष्ठ पर होते हैं उन पर सिर्फ कुछ दिशाओं में बल लगते हैं, इसके कारण यह क्या यह कण असंतुलित बल अनुभव करता है। और असंतुलित बल अनुभव करता है तो यह संतुलित होने के लिए बाहर से किसी भी कण के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या करेगा? संतुलित हो जाएगा। ऐसे हम टॉसों में देखें, टॉसों में क्या होता है? टॉस की संरचना और इसकी हम इसकी क्या होती है? संयोजकता एक मुक्त होती है, मुक्त संयोजकता। मुक्त संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कोई भी कण उससे आकर जुड़ जाता है। जैसे जुड़ेगा संयोजकता पूरी हो जाएगी और पदार्थ पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से पता लगता है कि पदार्थों में परिघटनाएं क्या होती है। एक तो संतुलित बल को संतुलित करने के लिए, असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए और मुक्त संयोजकता को पूर्ण करने के लिए। अब आता है कि जो पृष्ठीय परिघटनाएं जी पदार्थों में उनको दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं? पदार्थों में होने वाली पृष्ठीय घटनाओं को कैसे दर्शाते हैं? जैसे हम बात करें ये टॉस है और ये भी ये कोई गैस है, तो टॉस हाइफन गैस यानी हाइफन का चिन्ह लगा देते हैं, या स्लैश का भी चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे टॉस टॉस है स्लैश गैस, तो दर्शाने के लिए हम दोनों पदार्थों के मध्य हाइफन या स्लैश का चिन्ह लगाते हैं। अब बात आती है कि जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं पृष्ठीय घटनाओं का अध्ययन में उनकी सतह साफ होनी चाहिए। उनकी सतह को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? तो उपयोगी पदार्थों की
सतह को कैसे साफ करना है। अब इनके लिए हमें उच्च निर्वात में इनको रखा जाता है, जिससे इनकी सतह क्या जाती है, स्वच्छ रहती है। उच्च निर्वात होता है 10^-6 से 10^-9 पास कर उच्च निर्वात में रखते हैं। कुछ भी उच्च निर्वात में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी सतह क्या जाती है, स्वस्थ सतह प्राप्त हो जाती है। आपको इनको लंबे समय तक बनाए रखना है, तभी हम भंडारण करने के लिए उच्च निर्वात में ही रखते हैं। कुछ उदाहरणों प्रयोग के द्वारा हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। स्पंज को जल में डालने पर क्या होता है, ऐसे रसगुल्ले को चाशनी में डालने पर क्या होता है। इन दोनों की बात करते हैं, सिलिका जेल को जल में डालने पर क्या होता है, मिथाइल ग्लू को चारकोल में डालने पर क्या होता है, और इसके लिए हम प्रयोग करके देखते हैं। सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, हम पात्र में जल लेते हैं और इसमें सिलिका जेल की पेस्ट डालते हैं। इससे जी का जेली फिश क्या करेंगे, जल को अपने ऊपर शांत कर लेंगे, जल को जमा लेंगे। जल दिया था वो गायब हो गया, सारा जल सिलिका जेल पर डिसोसिएट हो चुका है। अपना अगला प्रयोग है मिथाइल ग्लू और चारकोल के साथ। सबसे पहले मिथाइल ग्लू को हम जल में घोलते हैं, हम उसको फिल्टर करके देखते हैं फिल्टर पेपर की सहायता से। हमने फिल्टर पेपर लिया है, जो रंजक था वो फिल्टर के द्वारा भी नहीं रुका, नीचे आ गया वापस चढ़कर। इसमें एक्टिव चारकोल पाउडर डालते हैं, अब इसको फिर से दोबारा से फिल्टर करके देखते हैं। क्या अंतर हो, बिल्कुल क्लियर पानी आ रहा है, अब रंजक साथ में नहीं आ रहा, यानी चारकोल ने रंजक को अपने ऊपर जमा लिया, वहीं रोक लिया इसको, इस कारण से पूरा क्लियर पानी आ रहा है। ये देख प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जब सिलिका जेल को जल में डालते हैं तो क्या होता है कि जल सिलिका की सतह पर आ जाता है, तो जल
से लिखा कि सतह पर आ जाता है। इसी प्रकार हमने प्रयोग किया था कि मिथाइल ब्लू में चार को डाला था तो रंगीन विलीन हो गया था, यानी कि जो नीला रंजक था, नीला रंजक मिथाइल ब्लू का चारकोल की सतह पर आ जाता है, जिससे विलीन क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। इन दो उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है कि पदार्थ दूसरे पदार्थों में अंदर तक चले जाते हैं। जैसे वो अंदर तक चले, और इन तीन उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ होता है वो सतह पर रहता है, सतह पर ही रहता है, सतह पर ही रहता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ दूसरे पदार्थों की सतह पर ही जमा हो जाता है। जब पदार्थ दूसरे पदार्थों में अंदर चले जाते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण। इसी प्रकार जब पदार्थ दूसरे पदार्थों की सतह पर जमा हो जाते हैं वो कहलाती है अधिशोषण। और आज का अपना ये टॉपिक है अधिशोषण। और अभी हमने प्रयोग उदाहरण द्वारा देख लिया कि अधिशोषण क्या होता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर जमा हो जाता है, ये जमा हो जाता है। जो पदार्थ आता है उसे बोलते हैं अधिशोषण, और जिस पदार्थ पे आता है वो कहलाता है अधिशोषण। यानी अधिशोषण की प्रक्रिया जिस पर होती है वो कहलाता है अधिशोषण। और ये है अंतराप्रश्न। और ध्यान रखने की बात ये है कि गैसों को जब गैसों के कण एक दूसरे पर आते हैं तो उनमें कोई भी अंतराप्रश्न नहीं होता। गैसों के मिश्रण में कोई अंतराप्रश्न नहीं होता। अब जहां से ये अभी ये कण जुड़ा है वो कहलाता है सक्रिय केंद्र। और सक्रिय केंद्र पर मुक्त सहजता रहती है कारण ही आकर वहीं जुड़ता पदार्थ। ये तो थी कुछ अधिशोषण संबंधी और जानकारी, और भी देखते हैं। दोनों चित्रों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों चित्रों में अंतर दिखाई दे रहा है कि इस पर अधिशोष कम है, इस पर अधिशोष ज्यादा है। अधिशोष से कम और इस पर क्या है, अधिशोष से ज्यादा। तो वह घटना जिसमें अधिशोष से कम मात्रा में आकर जुड़ते हैं वो कहलाती है ऋणात्मक अधिशोषण। और वह परिघटना जिसमें अधिशोष से ज्यादा मात्रा में आगे जुड़ता है वो कहलाता है धनात्मक अधिशोषण।
धनात्मक अधिशोषण क्या होता हम देखिए। धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण के बाद एक और टॉपिक आता है अधिधारण। अब अधिधारण क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ और ठोस पदार्थ पर गैस के कण आके जमा होते हैं, तो ठोस पदार्थ के ऊपर गैस के कण आके जमा होते हैं, उस समय हम अधिशोषण का उपयोग ना करके अधिधारण शब्द का उपयोग करते हैं। तो यहां पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अधिधारण। कहां? टॉस और गैस के मध्य होने वाली सतही प्रक्रिया कहलाती है अधिधारण। एक और हम बात करें, टॉस के ऊपर अगर भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवी कण या अधिशोषी कण आते हैं, जैसे ए ए बी 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 ए बी, अगर अधिशोषण प्रक्रिया में सिर्फ उस सतह पर ए ही कण मौजूद रहते हैं, बी जमा नहीं होते, तो उसे बोलते हैं प्रतियोगी अधिशोषण। अब प्रतियोगी अधिशोषण में क्या होता है कि दो भिन्न प्रकार के अधिशोषी भाग लेते हैं, तो जिसमें बंद बनाने की क्षमता ज्यादा होगी वह जल्दी बंद बना लेगा और दूसरे को प्रतिस्थापित कर देगा। इसके अलावा और देखते हैं विशोषण। विशोषण अधिशोषण का उल्टा है। अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक से अधिशोषक पे आगे जुड़ता है, मगर विशोषण में अधिशोषक से अधिशोषक से अलग हो जाता है। जैसे ये है तो अधिशोषक से अधिशोषक क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी विशोषण। अगला है शोषण। शोषण में क्या होता है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ चलती है। जैसे हमने चौक लिया और चौक को क्या कर दिया, नीली शहद में डुबो दिया, और नीली शहद में डुबोने से क्या हुआ, फरंगीन हो गया, नीला हो गया। जब हम उसको तोड़ते हैं चौक को, तो उसकी बाहरी सतह और आंतरिक सतह नीली दिखाई देगी, आंतरिक सतह और बाहरी सतह नीली ही दिखाई देगी। इससे क्या अर्थ तो निकलता है, इसमें अधिशोषण भी हुआ और अवशोषण भी हुआ। अब देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। इधर तो हम लेते हैं अधिशोषण और इधर लेते हैं अवशोषण। ऐसे अंतर तो हम पहले भी देख लिए, और देखते हैं अधिशोषण में क्या होती है, ये एक सतही प्रक्रिया है, ये स्थूल प्रक्रिया है। यानी कि अगर जो कण आते हैं वो सतह पर आते हैं इसमें, और इसमें स्थूल यानी गहराई में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। दूसरा सतह पर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाता है। तो अधिशोषी होते हैं वो क्या होते हैं, सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से वितरित। और अंदर देखते हैं, अब इसमें जो दर होगी एकत्रित या सतही पर प्रक्रिया पर सांद्रित होने की, वो क्या होती है, समान होती है, समान दर से
सामृत होता है। मगर यहां पर क्या होता है, प्रारंभ में डर तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है। अवशोषण में क्या होता है कि अवशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होगी, धीरे धीरे मंद होते जाती है। उदाहरण देते हैं इसमें, अगर हम जलवाष्प के अंदर सिलिका जेल रखते हैं, जलवाष्प के अंदर हमने क्या रख दिया, सिलिका जेल के जलवाष्प, तो क्या हुआ, सिलिका जेल जलवाष्प को अधिशोषित कर लेगा अपनी सतह पर। उदाहरण क्या हुआ, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। इसमें उदाहरण देखते हैं, अवशोषण में जलवाष्प के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड रखते हैं, जलवाष्प पर ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड रखते हैं, तो ये जो जलवाष्प है वो अंदर तक चली जाती है। यानी अवशोषण हुआ है। उदाहरण में क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। इस प्रकार से ये अंतः समाप्त होता है।